हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक होममेड लिप एंड चीक टिंट। होममेड इसलिए क्योंकि समटाइम्स जब हम मार्केट से बहुत अच्छी क्वालिटी का लिप टिंट लेने जाते हैं तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो इसीलिए आज मैं ये DIY लिप एंड चीक टिंट शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत अफोर्डेबल है और इसे बनाना बहुत आसान है। इस टिंट को जब आप अपनी चीक्स पे अप्लाई करोगे तो सिर्फ आपकी चीक्स रोजी पिंक ही नहीं होंगी बल्कि ये वहाँ से स्किन को भी बहुत स्मूथ आउट कर देगा। कैसी होगी ये मैं आपको वीडियो में बताती हूँ, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस होममेड लिप एंड चीक टिंट को बनाने के लिए एक बाउल में ऐड करें 3 टीस्पून एलोवेरा जेल। आप फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ नहीं करना क्योंकि इससे इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी और ये टिंट बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है, तो आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल ही यूज़ करना। अब यह है मेरे पास मेबेलिन का फाउंडेशन। मेबेलिन का नहीं तो आपके पास कोई सा भी फाउंडेशन हो तो वो आप ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि ये दोनों बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाए, ये एक क्रीमी फॉर्म में आ जाए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 4 to 5 drops ऑफ ग्लिसरीन। देन मैं इसमें ऐड करूंगी 2 drops ऑफ ऑरेंज ऑयल। आपके पास ऑरेंज ऑयल नहीं है तो आप स्वीट आमंड ऑयल या कैस्टर ऑयल, कोई सा भी ऑयल जो आपके पास हो, आप इसमें 2 to 3 drops ऐड करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना वरना टिंट जो है वो स्टे नहीं करेगा। फाइनली मैं इसमें 2 drops ऐड करूँगी रेड फूड कलर के। आप इसमें 4 to 5 drops भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही अभी अपने लिए बनाया था एक टिंट, वो थोड़ा रेडिश टोन में था, मुझे अभी थोड़ा लाइटर शेड में चाहिए था, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 drops ही ऐड किए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैंने वीडियो के स्टार्ट में ये बात कही कि इससे आपकी स्किन स्मूथ आउट हो जाएगी। स्मूथ आउट इसलिए हो जाएगी क्योंकि मैंने इसमें फाउंडेशन ऐड किया है, तो जैसे ही आप इसे अपनी चीक्स पे अप्लाई करोगे तो चीक्स टिंटेड तो होंगे ही लेकिन वहाँ से स्किन भी स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है ना कि उनके ओपन पोर्स हैं और उन्हें लगता है कि जब हम लिक्विडी या कोई भी टिंट अप्लाई करेंगे तो उनके वो पोर्स और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे, तो ये उन लोगों के लिए तो बेस्ट है। दूसरा रीज़न ये भी है कि इसको मैंने लिक्विड फॉर्म में इसलिए नहीं रखा क्योंकि जो लिक्विडी टिंट होते हैं वो ज़्यादा देर स्टे नहीं करते हैं, बहुत जल्दी फेड हो जाते हैं, लेकिन ये क्रीमी जो लिप एंड चीक टिंट है ये बहुत पूरा दिन आपका स्टे करेगा और बिल्कुल भी फेड नहीं होगा। जब तक कि आप अपने फेस को वॉश नहीं करोगे ये बिल्कुल लाइट नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अमेजिंग DIY और रेमेडी के साथ।